तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024 का बारे में। जी हाँ दोस्तों, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी पदों पर, यानी कि 45,000 से अधिक पदों पर यहाँ पे भर्ती का ऐलान किया गया दोस्तों। यहाँ पर जल्द ही यहाँ पे पदों पर नियुक्ति की जाएगी दोस्तों, तो इसी के बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों, जो नर्स के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे नर्स में जॉब लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 महीने में होगी 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जल्द ही यहाँ पे बड़ी भर्ती आने वाले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पे पूरी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जो थे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मंगल पांडे, वह कल पटना में यहाँ पे बैठक हुआ है दोस्तों, तो इसी के लेकर मीटिंग हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐलान जारी किया गया है, तो जल्द ही देख सकते हैं 4 महीने में होगी 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती दोस्तों हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे यह भर्ती नियुक्त किया गया दोस्तों, तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं छात्र, यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है, कब आएगा, पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 4 महीने में यहाँ पे भर्ती होगा, यहाँ पे बड़ी भर्ती आएगा दोस्तों। आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर सामने आ चुका है, तो चलिए हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप कुछ और जानकारी बताते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि लंबे समय से यहाँ पे देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती नहीं जारी किया गया दोस्तों, उसी के लेकर यहाँ पे देख सकते हैं भर्ती नियुक्त किया गया है, जो अलग अलग पदे पर यहाँ पे देख सकते हैं अनेकों प्रकार के यहाँ पे भर्तियां जारी किया गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज करके पद के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया दोस्तों। जो देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं 1,339 पद जारी किया गया दोस्तों सहायक पदाध्यापक के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 3523 पद है दोस्तों विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की, यानी कि नर्स के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे 396 पद है सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 1290 पद सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे निकाली गई दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं दंत चिकित्सा के लिए यहाँ पे 64 पद पर वैकेंसी जारी किया गया दोस्तों। पैरा मेडिकल स्टाफ के बात की जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं सीटर स्कूटर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 362 पोस्ट है दोस्तों। नर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 6298 पदों पर भर्ती जारी किया गया दोस्तों, आने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एनएम के लिए यहाँ पे 15,089 पोस्ट पर भर्ती आने वाले दोस्तों। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं जीएनएम के लिए भर्ती है दोस्तों, यहाँ पे एक्स टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे भर्ती है दोस्तों। यहाँ ओटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जानकारी को मेंशन किया गया है, ड्रेसर के लिए है दोस्तों। उसी प्रकार से सीओएचओ के लिए यहाँ पे 4500 पदों पर भर्ती निकाली गई दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म के बारे में बात की जाए तो अभी तक यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, सिर्फ ऐलान किया गया है कि 45,000 पदों पर यहाँ पे भर्ती जारी होने वाला है दोस्तों, जल्द ही यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि 4 महीना से पहले हम 45,000 पदों पर भर्ती नियुक्त कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का संभावना है दोस्तों, अलग अलग पदों पर यहाँ पे भर्तियां जारी किया गया। देख सकते हैं इतने सारे पदों पर यहाँ पे अलग अलग भर्तियां निकाली गई दोस्तों, तो एक एक कर यहाँ पे 4 महीना से पहले भर्ती आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इन सभी कोर्स को कर रखें दोस्तों, तैयारी में यहाँ पे जुड़ जाइए, आपके लिए यहाँ पे सुनहरा अवसर निकल कर सामने आ चुका है दोस्तों। एनएम जीएनएम चिकित्सा डॉक्टर, यहाँ पे दंत चिकित्सक, नर्स, सीएचओ, पैरा मेडिकल, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और भी कैटेगरी वाइज करके यहाँ पे अलग अलग पदों पर वैकेंसियां जारी किया गया दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं इसे कितने पदों पर वैकेंसी निकाले गए दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट मारकर पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी कोर्स का तैयारी किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट तैयार रखे दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 4 महीने के पहले ही यहाँ पे देख सकते हैं 45,000 पदों पर भर्ती नियुक्त किए जाने का यहाँ पे ऐलान कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं मंगल पांडे की तरफ से ऐलान किया गया दोस्तों, जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है यहाँ वैकेंसी आएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भी इसको बारे में यहाँ पे विशेष जानकारी को मेंशन नहीं किया गया दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे बताया गया है कि 45,000 पदों पर भर्ती 4 महीने के पहले यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, जब भी इस वैकेंसी के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी जानकारी आता है तो सबसे पहले हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
तो अगर आप कोर्स किए हैं तो जल्द ही से अपने तैयारी में जुड़ जाए, यहाँ पे वैकेंसी आना तय है दोस्तों, क्योंकि ऐलान कर दिया जा चुका है और 4 महीना के पहले ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 महीना के अंदर ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों, और वैकेंसी यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू जॉब की जानकारी के साथ।